आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शीत सत्र के सुलगते सवाल, जिस पर ऐसा बवाल मचा है कि कार्यवाही का दूसरा दिन भी स्वाहा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष इस कदर हमलावर रहा कि पूरे दिन सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। अब सवाल यह है कि क्या शीत सत्र सत्ता और विपक्ष की गर्मा गर्मी के बीच यूं ही खत्म हो जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई, कानून पर कोहराम, सदन में संग्राम, कानून पर कोल्ड वॉर। शीत सत्र का दूसरा दिन था, लेकिन हो हंगामे के बीच सत्र का दूसरा दिन भी स्वाहा हो गया। आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। आरजेडी की मांग थी कि लॉ एंड ऑर्डर पर बहस हो, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष हंगामे पर उतर आया। महा जंगल राज है, जंगल राज नहीं है। हम लोग के समय में जंगल राज नहीं था, ये समय तो महा जंगल राज आ गया नीतीश कुमार और सुशील कुमार के समय में। विपक्ष के लोगों के पास मुद्दा नहीं और ये लोग केवल शोर करके मीडिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है इनको और इसीलिए ये लोग केवल शोर करने की बात। हम विपक्ष के लोग कहां जाएं, किससे हम मांग करें, किससे बहस करें? तो ये पूरी तरीके से तानाशाह रवैया सरकार का, और ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी पूरे संगी हो चुके हैं, पूरे संगी के रंग में वो आ चुके हैं। एक भी सवाल उत्तरित नहीं हुआ और इस तरह से सदन की कार्यवाही को उन्होंने नहीं चलने दिया। और ये सदन शुरू होने के पहले भी उन्होंने कहा था कि सदन को नहीं चलने देंगे, तो इस तरह से सदन नहीं चलता है। तो शीत सत्र में कानून पर कोहराम मचा है, सत्ता और विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, और इस तर्क और तकरार में सदन का अहम वक्त स्वाहा हो रहा है। नौबत यहाँ तक नहीं पहुँची होती। सदन को जिस तरह से मनमाने तरीके से मुख्यमंत्री जी चलवाना चाहते हैं, वो अलोकतांत्रिक है। इनके बोलने और कथनी करने में बड़ा फर्क है। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कार्य संचालन नियमावली में, आसन से हमारी अपेक्षा थी कि इसको स्वीकार करें, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर का निर्देश हुआ कि इन लोगों को चिल्लाते रहने दीजिए। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि शीत सत्र के बाकी बचे दिनों में भी सत्ता और विपक्ष में तकरार जारी रहेगी। ऐसे में कानून पर जारी ये कोल्ड वॉर फिलहाल थमता तो दिखाई नहीं दे रहा। जी मीडिया के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश के साथ आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट। बातों को नहीं उठाते तो आज ये नौबत यहाँ तक। 5 दिन के सत्र में दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में दूसरा दिन राजकीय विधेयक को रखा जाना था। बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2018 के साथ कई राजकीय कार्य भी निपटाए जाने थे, लेकिन हंगामे की वजह से कोई काम नहीं हो पाया। बुधवार को भी राजकीय विधेयक और दूसरे राजकीय कार्य दोनों सदन में किया जाना था, जबकि द्वितीय अनुपूरक बजट पर गुरुवार को वाद विवाद होना है। 30 नवंबर को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। इसके साथ ही इस सत्र में विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन और भत्ते में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को भी पारित कराया जाना है, लेकिन विपक्ष के तेवर के सामने सत्ता पक्ष बैकफुट पर है, जबकि विधि व्यवस्था, सूखे की समस्या, भ्रष्टाचार, शराबबंदी की विफलता समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है। एक बार फिर से बिहार विधानसभा में मुजफ्फरपुर शेल्टर मामले की गूंज सुनाई पड़ रही है। इस बार विपक्ष ने हथियार बनाया है सुप्रीम कोर्ट के बयान को। इसमें सर्वोच्च अदालत ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच करने का निर्देश दिया। इसके बाद विपक्ष सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है। आज सरकार जो है कान में रुई लगा करके बैठी हुई है। हत्या, अपहरण, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। विशेष परिस्थिति में समान स्थिति में आता है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सुप्रीम कोर्ट के बयान ने सियासी गर्मी ला दी। और महोदय, सुप्रीम कोर्ट का भी टिप्पणी आया है, राज्य सरकार को फटकार लगाया गया है मुजफ्फरपुर मामले को लेकर के। इसमें भी आप लोग देख लीजिए कि अगर हम लोग उस समय इस बातों को नहीं उठाते तो
तो आज ये नौबत यहाँ तक नहीं पहुंची होती। पहले से ही ये तय था कि सत्र के दौरान मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने विपक्षी सदस्यों को सरकार पर हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया। मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 24 घंटे में FIR को ठीक करे सरकार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, FIR में TISS की रिपोर्ट का जिक्र हो, बिहार के सभी शेल्टर होम की जांच CBI से हो, CBI के वकील से जांच के लिए जानकारी मांगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सरकार पर टिप्पणी की। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कई बार शेल्टर होम मामले को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर है। विधानमंडल के पोटिको में विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, तो सदन में भी नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने जोरदार हंगामा किया। RJD ने सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। स्थिति में आता है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से ट्रेजेडी घोटाला हुआ, जिस प्रकार से सीतामढ़ी में कांड हुआ है, आज सरकार जो है कान में रुई लगा करके बैठी हुई है और उप मुख्यमंत्री जी है हाथ जोड़ रहे हैं, महोदय हाथ जोड़ रहे हैं। हम इनसे हाथ जोड़ते हैं कि कम से कम अपराधियों को जेल भेजने का काम किया। जो शेल्टर होम के 34 बच्चियों के साथ जो खिलवाड़ किया है पूरे बिहार में, उस पर जो है हमेशा तर्क टिप्पणी रहा है सुप्रीम कोर्ट का, और आज भी दिए हैं कि क्या कारण है कि जो लोग फंस रहे हैं उनको बचाने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। यह दुर्भाग्य है, इनको थोड़ा सा भी शर्म रहता तो अभी तक जो है बड़े बड़े हस्ती जो सब है उस सबको पकड़ा जाना चाहिए था। विपक्षी सदस्यों के आरोप पर समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने जवाब दिया। वर्मा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई, सुझाव दिया। फटकार मत कहिए उसको, उसकी हिदायतें होती है, सुझाव होता है और उसके हिसाब से हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की CBI जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है। ऐसे में इस पूरे मसले की जांच पर सर्वोच्च अदालत की सीधी नजर है। नवजीत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मुजफ्फरपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद RJD ने नीतीश सरकार पर चौतरफा हमला करना शुरू कर दिया है। RJD का कहना है कि इस मामले में BJP के नेताओं को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए पार्टी इस मुद्दे को संसद में जोर शोर से उठाएगी। वो बच्चियां अनाथ थी, डेफ एंड डम थी, उन बच्चियों का शेल्टर होम की बच्चियों का गार्जियन राज्य होता है। अगर गार्जियन ही गुनहगार हो जाए, गुनाह में शरीक हो जाए, जो आज सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों से साफ स्पष्ट है, तो फिर हम किसके पास जाए। मानवता शर्मसार हो गया। जो शेल्टर होम में दुष्कर्म की घटनाएं घटी, दुनिया हिल गया, लेकिन बिहार का शासन सुशासन, जो काला शासन के नाम से जाना जाता है, वह कुंभकर्ण के निंद में सोता रहा। बिहार विधानमंडल में बुधवार को लालू प्रसाद का मुद्दा अब एकजुटता के साथ विपक्षी दल उठाएंगे। हम आपको बता दें कि पहले इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस और RJD के बीच मतभेद की खबरें मिल रही थी, लेकिन अब इस मामले में एकजुटता की बात कही जा रही है। हालांकि सत्ताधारी NDA के नेताओं ने इस पूरे मसले पर चुटकी ली है। लालू के मुद्दे को विधानमंडल में उठाने को लेकर अब सहमति बन गई है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले मैं आपको बता दें कि ये खबर मिल रही थी कि दोनों दलों में इस मुद्दे को लेकर मतभेद बना हुआ है। मैं आपको बता दें कि अब सहमति की बात सामने आ रही है। नहीं, तो बैठक हुई है, सीनियर लीडर लोग बैठ के अपना बात किए हैं, किस स्ट्रेटजी पे हम लोग काम करेंगे, कैसे कौन क्या करेगा, ये बातचीत हो गई हम लोग। मैंने ये नहीं कहा था कि महागठबंधन के विधायकों की बैठक होगी, मैंने कहा था कि महागठबंधन के दल के नेताओं की बैठक होगी। आज बैठक हुई है और फ्लोर पर रणनीति बनी है और वो रणनीति के तहत आज काम हुआ है, कल भी काम होगा और 4 दिन जो है वो रणनीति बनी। दोनों जो है भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, चाहे वह कांग्रेस हो कि राजद हो, एकदम भ्रष्टाचार की जननी गंगोत्री हैं ये लोग, इसलिए मजबूरी का गठबंधन है।
और अब बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। दरअसल हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जी बिहार झारखंड की खबर की पुष्टि कर दी है। दरअसल हमने पहले से ही दिखाया था कि किस तरीके से 6 दिसंबर को जो रैली होने वाली है आरएलएसपी की, उसमें उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन अब जो उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है उसमें उन्होंने हमारी खबर पर मुहर लगा दी है। कुशवाहा का डी डे, 6 दिसंबर को आखिरी फैसला, पीएम से मन की बात, रहेगा या छोटे का साथ। और 30 तारीख तक हमने कहा है भारतीय जनता पार्टी से भी कि जो भी स्थिति है आप क्लियर कर दीजिए, तो 30 तारीख तक जो कुछ भी बात होती है या नहीं होती है, अभी तो हमने मांगा है प्रधानमंत्री से समय मिलकर हम उनसे बात करेंगे, उनसे समय मिलेगा तो बात करेंगे, क्या बात होती है, नहीं बात होती है, किस रूप में बात होती है, कितनी बात होती है, तमाम चीज़ों की जानकारी हम 4, 5, 6 दिसंबर को जो वहाँ बैठक है उसमें साथियों को देंगे। तो 6 दिसंबर का दिन एनडीए और खासकर कुशवाहा के लिहाज से बेहद अहम होने वाला है। इसी दिन कुशवाहा गठबंधन में रहने या छोड़ने का फैसला लेंगे। इससे पहले कुशवाहा पीएम से मिलकर अपने मन की बात भी रखेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि क्लाइमेक्स तक कुशवाहा मान जाएंगे। हम तो जानते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण विश्वास है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन में शामिल रहेंगे। देखिए, कुशवाहा जी चाहते हैं कि भाई जहां हम हैं प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वह जान रहे हैं कि परिणति क्या होना है। कुशवाहा जी महफूज भी नहीं है वहां, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो फोल्ड में आएंगे ही ना। कुशवाहा को लेकर बीजेपी की उम्मीद भले अभी भी बरकरार हो, लेकिन उसकी सहयोगी जेडीयू ज्यादा उत्साहित नहीं है। पार्टी के नेता कुशवाहा के सवालों को बीजेपी की तरफ उछाल दे रहे हैं। ये वो स्वयं कह चुके हैं कि उनका जेडीयू से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए मुझसे इस पर किसी टिप्पणी की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देने में ही सक्षम। कुशवाहा सीट शेयरिंग पर अपने सम्मान की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आखिरी लड़ाई में अब उन्हें सिर्फ पीएम मोदी का ही आसरा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि कुशवाहा का ये क्लाइमेक्स किस तरफ जाता है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से धीरज ठाकुर के साथ पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। उधर कुशवाहा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी से मोलभाव करने की कवायद में जुटे कुशवाहा की अपनी ही पार्टी में सेंध लगती हुई दिख रही है। पटना में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में आरएलएसपी के दोनों विधायकों के शामिल होने के बाद इसे पार्टी में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। आरएलएसपी विधायकों की अलग राह, विधायकों का एनडीए प्रेम। पटना में बीजेपी विधानसभा दल की बैठक में कुशवाहा की पार्टी के दोनों एमएलए पहुंचे तो कयासों का दौर तेज हो गया। एनडीए में कुशवाहा के बागी तेवर के बीच उनके विधायकों का खम ठोक कर बैठक में शामिल होना बता रहा है कि कम से कम आरएलएसपी की राज्य इकाई में तो सब कुछ ठीक नहीं। ये बात और है कि खुद विधायक ललन पासवान ने इस बैठक को बीजेपी नहीं एनडीए की बैठक बताकर सफाई दी। यदि वह एनडीए की बैठक में, हमको समझ नहीं आ रहा कि आज से हम लोग बैठक में बैठे, 3 साल से जब से एनडीए से जीत के आए तब से बैठक में है। आप कह रहे हैं कि भाजपा की बैठक थी, ये एनडीए की बैठक थी। एनडीए बिना जदयू के आप पहुंच गए एनडीए में? ये जदयू की क्या मतलब, जदयू से पहले हम एनडीए हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा से जब इसे लेकर पूछा गया तो उन्होंने टालने वाले अंदाज में पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद ही टिप्पणी करने की बात कही। देखिए, हमको भी जानकारी मिली है और इस पर पहले से भी हमारी नज़र है, पूरी घटना और उसकी जानकारी हम लेंगे तभी इस पर भी कुछ बोल पाएंगे। अभी सफाई दे रहे ललन पासवान आरएलएसपी के ऐसे विधायक हैं जो कुशवाहा के नरम गरम बयानों के बावजूद लगातार एनडीए में बने रहने के पक्षधर हैं और कई बार बयानबाजी कर अपनी मंशा साफ कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वाकई कुशवाहा ने अलग राह अख्तियार की तो ललन पासवान और सुधांशु शेखर, इन दोनों का रुख क्या होगा? फिलहाल तो बीजेपी और जीव से इनका याराना आरएलएसपी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा।
दिल्ली से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। उधर तेजस्वी यादव के पटना स्थित 5 देशरत्न रोड सरकारी बंगले का विवाद थमता नहीं दिख रहा। सरकार को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द बंगला खाली कर देंगे, जबकि आरजेडी का कहना है कि नीतीश सरकार इस पर ओछी सियासत कर रही है। प्रशासनिक नियम कानून होता है, उसके तहत हम लोगों ने जिला प्रशासन को पत्र भेजा है और जिला प्रशासन विधि सम्मत जो होगा वो कार्रवाई करेगी। और चूंकि सम्मानित व्यक्ति हैं तेजस्वी जी, इसलिए कानून का पालन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, और स्वतः मकान खाली कर देगा, कोई इसमें झंझट नहीं है। पहले ये भवन निर्माण मंत्री जवाब दें कि उनके वैसे पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी कैसे रह रहे हैं घरों में, सरकारी घरों में, जो न एमएलए हैं, न एमपी हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं, न मंत्री हैं, किस हैसियत से रह रहे हैं, किस हैसियत से उनके कोई एमपी रह रहे हैं तो कोई एक एमएलए रह रहे हैं तो कोई एक एमएलसी रह रहे हैं। पहले सारे घरों को खाली कराया जाए। और अब बात जीतन राम मांझी की, जिन्होंने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मांझी ने शराबबंदी के फैसले पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि बिहार के नेताओं और अधिकारियों की तो मौज है, लेकिन गरीब इस फैसले से परेशान है। शराबबंदी पर ये क्या बोल गए मांझी? नशे में मंत्री, विधायक और अधिकारी, अफसर मालामाल, गरीब परेशान। बिहार में शराबबंदी और शराब ने सबसे ज्यादा सियासी सुर्खियां बटोरी है। आए दिन इस मसले पर सियासी सूरमाओं की बयानबाजी सुनने को मिलती है। ताजा बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने। पूर्णिया में मांझी ने बिहार के मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों पर शराबबंदी कानून को तोड़ने का बड़ा आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री के मुताबिक विधायक, मंत्री और अधिकारी रात 10 बजे के बाद शराब के नशे में होते हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार गरीबों को परेशान करने के लिए ही शराबबंदी कानून लेकर आई। मांझी के मुताबिक शराबबंदी कानून से बिहार के अधिकारी मालामाल हो गए। सब पदाधिकारी आईएएस आईपीएस को और विधायक और मंत्री को सबको 10 बजे रात के बाद जाकर के ब्रेथ एनालाइजर लगावे, हम समझते हैं वो पकड़ा जाएगा। पुलिस पदाधिकारी हो, माइंस पदाधिकारी हो, सिविल पदाधिकारी हो, आज करोड़पति हो गए हैं। वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार कुछ दिन और रहे कि हम अरबपति हो जाएं और हम वीआरएस लेकर के अपना बिजनेस करें। मांझी के श्रीमुख से इससे पहले भी कई बयान निकले हैं जिसने खूब सियासी सुर्खियां बटोरी है, लेकिन इस बार मांझी ने मुख्यमंत्री के अहम प्रोजेक्ट शराबबंदी पर बड़ा हमला बोला। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। मांझी के बयान पर आरजेडी ने सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, तो सत्ताधारी बीजेपी ने मामले में जल्द कार्रवाई की बात की। पूरे बिहार में जो शराबबंदी सिर्फ कागज पर है, पैरेलल इकोनॉमी की व्यवस्था चल रही है, शराब आ भी रहा है, बिक भी रहा है, अवैध है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, जो शराब पीते हुए पकड़ा जाएगा उसको जेल जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जीतन राम मांझी का आरोप सनसनीखेज है, लेकिन इतने बड़े आरोप का आधार भी मांझी को साबित करना चाहिए। अगर ये महज बयान था तो पूर्व सीएम को जेडीयू और बीजेपी नेताओं के सियासी हमले के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पूर्णिया से मनोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। प्रत्याशी क्लासेस और हॉस्टल्स के अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच इस बार के चुनाव को खास बना रहा है सोशल मीडिया पर हो रहा प्रचार, जिसमें सभी छात्र संगठनों ने पूरी ताकत लगा दी है। छात्र संघ चुनाव का बदला रंग, प्रचार का हथियार सोशल मीडिया। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में इन दिनों छात्र राजनीति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ढोल मजीरे के साथ चुनाव प्रचार का रंग हो या क्लास में घूम घूम कर प्रचार करने का तरीका हो, मगर परंपरागत प्रचार के तरीकों के अलावा अब छात्र संगठनों ने सोशल मीडिया को भी प्रचार का बड़ा हथियार बना लिया है। फिर चाहे वो एबीवीपी हो, लेफ्ट के संगठन हो या फिर दूसरे छात्र संगठन, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए प्रचार में कोई भी पीछे नहीं है।
सोशल मीडिया से फायदा ये होता है कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए आजकल सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया की मदद ले रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हो। सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करते हैं? जो बात हम यहाँ नहीं कह सकते हैं, जो बात हम कह भी सकते हैं, लोग नहीं सुनना चाहे, कुछ लोगों को पसंद नहीं है सुनना, लेकिन वो सोशल मीडिया पर देखते हैं उनका विजन क्या है, किस लिए लड़ रहे हैं, तो इस चीज के लिए हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। और जाहिर है छात्र राजनीति में यह बड़ा बदलाव है, सोशल मीडिया के दौर में छात्र नेता भी इसके इस्तेमाल से पीछे नहीं रहना चाहते। 1971 में पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके राम जतन सिन्हा मानते हैं कि भारत में सस्ते इंटरनेट की सुविधा ने हर तबके के अलावा छात्र राजनीति को भी प्रभावित किया है। यू केम इन द पोर्टिको, यू डिडंट सीक माय परमिशन, तो व्हाट टू टेल ऑफ एंटरिंग द क्लास और एंटरिंग द कॉलेज इन पोर्टिको। She said you should have waited on the railing ground and I would have given permission. तो आप फ्रेंड्स सर्किल के जरिए उससे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स आप मतलब शेयर अपनी बात पहुंचा सकते हैं उन तक। तो मेन इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स के जब हम लोग जा रहे हैं प्रचार करने के लिए तो ऐसे व्हाट्सएप नंबर लेकर के उनके बीच ग्रुप बना रहे हैं। हर हाथ में मोबाइल, एक क्लिक और फिर चंद मिनटों में हजारों लाइक्स, कमेंट और शेयर। कम वक्त में अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का यह आसान जरिया बन चुका है। जाहिर है बदलते वक्त के साथ छात्र राजनीति भी हाईटेक मोड में आ चुकी है। लोगों के बीच सीधी पहुंच बनाने का आसान तरीका है सोशल मीडिया, और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इसका जमकर इस्तेमाल भी हो रहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। छपरा जंक्शन पर जीआरपी ने चेकिंग के दौरान बैग से भारी मात्रा में नरकंकाल बरामद किया। बलिया सियालदह ट्रेन बरामदगी हुई है, इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्कर मोतिहारी का रहने वाला संजय प्रसाद बताया जा रहा है। तस्कर के पास से दो वोटर लिस्ट, पड़ोसी देश भूटान की करेंसी और भारत सहित नेपाल के सिम कार्ड बरामद हुए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का सदस्य होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर झारखंड अनामिका के साथ।